नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे बैंक से जुड़े हुए नियमों के बारे में। अगर आप चेक के जरिए पेमेंट कर रहे हैं तो आपको पहले से ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग नियमों में कुछ बदलाव किया है। केंद्रीय बैंक ने अब 2400 घंटे बल्कि क्लियरिंग की सुविधा उपलब्ध कराने का फैसला लिया है, जिससे सीधा असर आपकी चेक के पेमेंट करने के तरीके पर पड़ने वाला है। यानी कि अब चेक को क्लियर होने में 2 दिन का समय नहीं लगेगा। अब चेक डालने के बाद तुरंत आपका अकाउंट क्लियर हो जाएगा। ऐसे में चेक जारी करने ते समय आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत होगी और चेक जारी करने से पहले देखना होगा कि आपके खाते में पैसा है या नहीं। अब बैंक में 7 दिन में क्लियर हो जाएगा आपका चेक। अब NACH सभी 7 दिन उपलब्ध होगा, इसलिए आपको चेक के माध्यम से पेमेंट करने पर पहले अधिक से अधिक सावधानी बरतनी होगी। अब ये नॉन वर्किंग डे यानी कि साप्ताहिक छुट्टियों और नेशनल हॉलीडे के दिन भी काम करेगा, इसलिए अब चेक जारी करने से पहले देख लें कि खाते में पैसा है या नहीं, वरना चेक बाउंस हो जाएगा। चेक बाउंस होने पर आपके खाते से पेनाल्टी भी भरी जाएगी। आइए अब जान लेते हैं क्या है NACH। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेट ऑफ इंडिया द्वारा संचालित NACH के जरिए बल्क पेमेंट का काम किया जाता है। ये एक समय में कई सारी क्रेडिट ट्रांसफर की सुविधा देता है। इसके अलावा बल्क पेमेंट सैलरी, पेंशन, ब्याज डिविडेंड आदि के भुगतान होता है। ये इलेक्ट्रिसिटी, गैस, टेलीफोन, वाटर लोन की किस्त, निवेश, इंश्योरेंस प्रीमियम आदि के पेमेंट का काम भी करता है। RBI ने जनवरी में पॉजिटिव पे सिस्टम को लागू किया था ताकि चेक आधारित ट्रांजेक्शन पहले से ज्यादा सुरक्षित बनाया जा सके। पॉजिटिव पे सिस्टम में 50,000 रुपये से अधिक की चेक पेमेंट के लिए डिटेल को द्वारा चेक किया जाता है। इस प्रक्रिया के तहत चेक जारीकर्ता इलेक्ट्रॉनिक रूप से क्लियरिंग के लिए पेश किए गए चेक से जानकारी देता है, जैसे कि चेक नंबर, चेक की तारीख, पेमेंट करने वाले का नाम, अकाउंट नंबर, राशि और अन्य विवरण आदि। जमाकर्ता से पहले जारी किए गए चेक का डिटेल भी वो आसानी से देख पाता है। EMI काटने के टाइम भी रखें पर्याप्त बैलेंस। आपको बता दें कि सावधानी ऑटोमेटेड EMI, ऑटोमेटेड बीमा प्रीमियम, SIP को लेकर भी रखनी है। ऐसा इसलिए कि अगर इनके काटने से ड्यू डेट, बैंक हॉलीडे वाले दिन पड़ी तो कामकाजी दिन आने का इंतज़ार नहीं किया जाएगा, छुट्टी वाले दिन ही EMI या फिर SIP कट जाएगी। इसलिए इनकी ड्यू डेट के आसपास आपके खाते में उतना अमाउंट बरकरार रखें जितना कटना है। एक्स्ट्रा ब्याज का भुगतान करना पड़ सकता है अगर EMI के दौरान अगर आपका अकाउंट में उतना बैलेंस नहीं है, तो इस दौरान आपके जो है एक्स्ट्रा ब्याज का दर यानी कि आपके अकाउंट से ज़्यादा पैसे काटे जा सकते हैं। तो ये था RBI से जुड़े हुए नियम, जिसमें उन्होंने कहा है कि अब वर्किंग डे पे जो है आप SIP या फिर EMI अगर आपके खाते से है तो आप जो है जिस ड्यू डेट में वो खाते से पैसा कटना है उस दिन तक आप जो है अपने बैंक में उतनी पर्याप्त मात्रा में जो है राशि रखें। साथ ही साथ उन्होंने चेक को लेकर भी बड़ा अपडेट दिया, जिसमें उन्होंने कहा है कि जब आप चेक काटें तो इस बात का ध्यान रखें कि जिस दिन का ये ड्यू डेट है उस दिन तक आपके अकाउंट में पर्याप्त बैलेंस होना चाहिए। तो ये थी बैंकिंग से जुड़ी हुई जानकारी। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।